नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विट्रॉनिक। चलिए दोस्तों, आज की सेकंड कॉल है वो सेल के अंदर, सेल के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो सेल के बारे में बात करते हैं, तो आज का जो सेकंड शेयर है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है सुबह 10:30 हो रहा है सुबह के, लाइव मार्केट ओपन है और आज है 6 दिसंबर। तो बेसिकली क्या चल रहा है कि सेल के अंदर जो मूवमेंट बना है 105 का लेवल, जो टारगेट 105 के लेवल को पार कर रहा है, तो अब मुझे लगता है जो मैं टारगेट देने वाला हूँ तो डेफिनेटली टारगेट आपको 20 से 25 दिन में तीनों टारगेट हिट होंगे। तो आप पैसे साथ बाय करिए, होल्ड करिए और अपने कैपिटल को ग्रो करिए। तो दोस्तों सेल के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पूरा डीपली समझाया सेल का काम क्या है, कंपनी का Q2 का एनालाइज भी करके दिया था, रिजल्ट का जब आया था। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आप इसमें जो मैं शॉर्ट टर्म के टारगेट था उन टारगेट के बाय करके पैसा होल्ड करके बनाए रखिएगा। तो ये देखिए सेल की वेबसाइट है, सेल के बारे में आपको ज़्यादा समझा नहीं होता। सेल का एक नाम है, स्टील की कंपनी है, स्टील मैन्युफैक्चर करती है, स्टील वेंचर के अंदर है, ठीक है। अभी स्टील के यानी कि जो मेटल सेक्टर है उसकी डिमांड अभी खत्म नहीं है, मेटल सेक्टर की तेज़ी कभी भी आ जाती है, कभी भी गिर जाती है। तो मेटल अब मुझे लगता है जब इस लेवल के लिए मैं दे रहा हूँ, उस लेवल पर आप बाय करेंगे तो डेफिनेटली आपको कैपिटल ग्रो होगी। तो सेल के बारे में ज़्यादा समय नहीं लेता आपसे, तो चलिए बात करते हैं सेल के अंदर हो क्या रहा है। तो आज देखते हैं इसके सेल के, देखिए मैं गूगल पर ओपन कर लिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बेसिकली आज ये ओपन होता है 104.30 रुपये पे, हाई मारा 106.60 रुपये का, लो मारा 103.50 रुपये का, 52 हाई है 151.30 रुपये का, 52 लो है 53 रुपये का। अभी ये 1% 1.5% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। इसने 5 दिन में हमें कितने रिटर्न दिए अभी तक, इसने अभी इसने यानी 5 दिन से चला ही नहीं था और ये अभी इसने 1.25% रिटर्न दे रहा प्लस के अंदर। 1 मंथ के अंदर ने अभी तक 15% माइनस में रिटर्न दिया, 6 मंथ के अंदर अभी तक इन्हें 14% माइनस में रिटर्न दिया, ईयर टू डेट के अंदर अभी तक इसने हमारे 41% रिटर्न दिए। अब थोड़ा सा इसके होल्डिंग देख लेते हैं, तो इसकी शेयर होल्डिंग देखिए, इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है 65%, पब्लिक की होल्डिंग है 17%, DIS की होल्डिंग है 12% और FIS की होल्डिंग है 5.38% इसके FIS की होल्डिंग है। अब इसके अंदर और क्या न्यूज़ तो है, कुछ है नहीं इसके अंदर, बस इसके जो चार्ट पे मूवमेंट बना बस उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कॉल दे रहा हूँ और कुछ वजह नहीं है इसमें कॉल देने की। तो देखिए इसमें भी हमें मनी कंट्रोल के साइड पर हमें 80% हमें एनालाइजर बोले इसमें बाय करने के, टोटल 10% हमें होल्ड करने के लिए, 10% हमें सेल करने के, टोटल 90% एनालाइजर हमें बोले इसमें बाय करने के लिए। तो चलिए हम इसे चार्ट पे चलते हैं। तो मैंने इसका डेली चार्ट ओपन कर रखा है, तो डेली चार्ट पे देखिए जो मूवमेंट बन रहा है, यानी कि आज के दिन जो मूवमेंट है, जो कैंडल बन रही है, ठीक है। तो इस कैंडल के बाद से जो MACD पे क्रॉस मूविंग की तैयारी है और RSI 40% के 40 के अबव जाने को तैयार बैठी हुई है, तो RSI भी अब ट्रेंडिंग की तरफ है और MACD पे भी क्रॉस मूविंग आने को तैयार बैठी हुई है। और सबसे अच्छी बात क्या है, मैंने अभी 5 डेज की आपको दिखाया था ना, हमारे को 5 डेज में कितने रिटर्न दिए, देखिए 5 डेज के अंदर अभी तक इसने हमारे को 1 पॉइंट यानी जो आज रिटर्न दे रहा है वही इसने 5 डेज के अंदर दिया, अभी तक 5 दिन 5 दिन से चला नहीं था शेयर। ये देखिए क्यों, क्योंकि देखिए अपने वीक पे हाई चल रहा है, देखिए जो कैंडल बनी, ये जो कैंडल बनी आज, तो इन सारी कैंडल को कवर करके चला के 1 वीक की कैंडल को कवर करके ये 1 वीक के हाई पर ट्रेड कर रहा है आज के दिन पे ये। और 105 का लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, 105 का लेवल जैसे ही तोड़ता है इसमें जो भी आप बाएंगे, आप ट्रेंडिंग आएंगे वो आपको बताता हूँ। तो हमें स्टॉप लॉस रखना है इसमें अंदर, 100 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ बाय करिए आप। तो इसमें पहला टारगेट जो आएगा, क्योंकि जैसे ही कैंडल क्रॉस करेगा तो जैसे ही लेवल को ट्रेड करेगा तो पहला टारगेट आएगा इसमें 110 रुपये का, क्योंकि ये जो कैंडल 110 के इसको क्रॉस करेगा तो वैसे 110 का लेवल क्लियर होगा, 110 का लेवल के बाद जैसे ही कैंडल पे आएगा तो ये कैंडल है 115 तक की, तो 115 को जब ट्रेड करेगा तो इस एरिया के अंदर आ जाएगा शेयर ये, ठीक। जैसे 110 को पार करेगा 115 के लेवल पे आ जाएगा, तो 115 के बाद जो ये कैंडल है 130 तक की, तो मेरा दूसरा टारगेट है 120 का, तो ये जो कैंडल है 120 की, क्योंकि जैसे ही इसको कवर करेगा 115 के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेने का 120 की कैंडल पे आ जाएगा। तो पहला हमें स्टॉप लॉस रखना है 100 रुपये का, तो पहला टारगेट आएगा हमारा 110 का, दूसरा टारगेट आएगा 115 का, तीसरा टारगेट 120 का, तीन टारगेट पे बाई करिए पैसे साथ होल्ड रखिए। आई होप ये वीडियो आपकी यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।